अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। की बात करेगा वही देश राज करेगा। की बात करेगा वही देश राज करेगा। वंदे मातरम। बताइए आज यहाँ पर जो है आप एकत्रित हुए थे, क्या कुछ फैसला हुआ है? अभी आपकी पुलिस प्रशासन से भी काफी चर्चा हुई है। क्या होता है भाई साहब, अभी हमारी पुलिस प्रशासन से भी चर्चा हुई है कि उस पर अभी 164 के बयान हो गए थे जिस लड़के ऊपर गोली चली थी, उसने 164 के बयान दिए, उसके ऊपर 307 की कार्रवाई की गई है और इसमें प्रशासन ने ये बोला है और अपने जो ऊपर के लोग हैं उनने भी यही बात बोली है। कल तक ये बात सामने आई थी कि गोली चलने की बात है, प्रशासन कहीं ना कहीं दबा रहा था, क्या मानते हैं आप? अब ये किस कारण से मानते हैं अपन, इन सब चीज़ों के प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रहा था, आज ही क्यों लगा पाई? या तो कोई कारण रहा होगा, जांच में कुछ डाल के रखा होगा प्रशासन ने, और इसमें तो अपन कोई संदेह नहीं रखते हैं। प्रशासन ने आज भी लगाई है वो, और इसमें पूरा अपना हिंदू समाज एक साथ में खड़ा होकर, और या तो उस कारण से नहीं, या तो हिंदू समाज एकत्रित हुआ इस कारण से 307 लगी है। अच्छा एक और भैया ये बताएं, जैसे अब जो था उनके उनकी ना मेडिकल करवाई और बिना मेडिकल जांच कराए ही FIR दर्ज कर दी थी, उसके बारे में क्या बताएंगे भाई साहब? उसमें क्या है कि जितने भी लोगों ने ये जो मेडिकल जांच नहीं हुई, ये सब किसी कारण के ही अंतर्गत है। ये पर्टिकुलर एक धर्म व्यवस्था बिगड़े ना, उस कारण से इन लोगों ने जिसका जैसा पावर उसने ऐसा अपना काम दिखाया है। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में आई है, जो ये जो एक तरफा कार्रवाई है उसके लेकर कई जैसे समाज में कई सारी चीज़ें हो रही है, आज क्या कहना चाहते हैं आप? अभी तक जो एक तरफा कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर अपन आज हिंदू समाज पूरा एकत्रित होकर खड़ा हुआ है, और उसी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए पूरे समाज ने जब एक पहल करी, उसी कार्रवाई उस पहल से ही आज उस पर FIR हुई है, नहीं तो ये मामला तो दब गया था। काजी का जो है एक फोटो वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो क्या सत्यता है उसमें? उस वीडियो में गोली चला भगते हुए पिस्टल हाथ में है, गोली चलाते हुए वो वीडियो वायरल हुआ है उसका। लाइसेंस है क्या? लाइसेंस ही बंदूक है उनके पास, और उससे ही उनने फायर किया उस पर। तीन फायर से कहाँ गया अभी सर, हम नहीं जानते कि वो लाइसेंस, मतलब ये चीज़ें जो है सामने पहले भी आ चुकी थी और उसको दबाई गई थी, क्या कहना? पहले भी इनके द्वारा कई बार यहाँ पर देवास में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कारण इन्हीं का बना हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरी सांप्रदायिकता बिगाड़ने, पूरे देवास का माहौल बिगाड़ने में इनका मुख्य हाथ है। अब क्या मांग पूरी की गई है? अभी जो हुआ है के अभी 164 के बयान हुए जिस पर गोली चली थी, उस लड़के को कोर्ट में पेश करा है, उसके 164 के बयान हुए और 164 के बयान पर उनको 307 की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और हमारा सभी सनातन भाइयों से एक विशेष आग्रह और निवेदन है कि आज सब एकत्रित साथ में खड़े हुए, ऐसी घटना अगर भविष्य में कभी घटती है तो सभी लोग अपने एक साथ में खड़े रहकर पूरे समाज को एकत्रित करके और बिना भेदभाव के हम सब एक साथ में खड़े, ताकि भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़े ना समाज की। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप हिंदू समाज और सनातन भाइयों का। जय 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 वीर बजरंगे। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार उस विधर्मी द्वारा एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई, और कल से ये जो आंदोलन चल रहा है FIR के करवाने के विरुद्ध, तो भाई हमको वो कॉपी चाहिए FIR की कॉपी, पूरी सार्वजनिक रूप से सबको, जितने भी हिंदू समाज के जितने भी हिंदू युवा संगठन है, जो हमारे द्वारा धारा की मांग की गई है, सुपरत करेंगे वो बिल्कुल। ऐसा बताया जा रहा है कि जो है कोर्ट ने अभी आदेश दे दिए हैं धारा बढ़ाने के, तो उसके बाद जो है अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास तो हम तो जब मानेंगे, जब हमारे पास FIR की कॉपी आ जाएगी तभी हम ये आंदोलन खत्म करेंगे, वरना इस संबंध में अभी आपकी किसी से बात हुई है? किसी से बात नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। हमको भ्रमित कर रहे हैं, कुछ भ्रमित किया जा रहा है हमको, कुछ राजनीतिक लोग भ्रमित कर रहे हैं हमको। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। भोजराज सिंह ठाकुर। Thank you.